सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, हाई एंड गड़िया। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सात्विक मोंगिया। भाई आज हम, मैंने आपको जैसा कि बताया था, हमारे चैनल का नाम है हाई एंड गड़िया, तो इसके ऊपर सारी की सारी हाई एंड गड़िया। आज एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा नया है। इस बार मैं आपको जो गाड़ियाँ होती हैं हमारी सेल परचेज वाली, सेकंड ओनर के साथ में, मतलब जो सेकंड ओनर नहीं, फर्स्ट ओनर भी होती हैं समर भैया, फर्स्ट ओनर भी होती हैं तो बिल्कुल होती हैं। पहले मैं इनको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। यह हमारे समर भैया। तो कैसे हो समर भैया? बढ़िया भैया, आप सुनाएं। इनका शोरूम है अपना यहाँ पे कार्स का, प्री ऑन कार्स कह सकते हो, अनरजिस्टर्ड कार्स कह सकते हो, सारी टाइप की कार्स अवेलेबल होती हैं भैया के पास में, लग्जरी सेगमेंट से लेकर के जो नॉर्मल सेगमेंट वाली कार्स होती हैं। भैया कितने रुपए से अपने पास में गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी? भैया हमारे पास 1.5 लाख से लेके 1 करोड़ तक गाड़ियों को मिल जाएंगी। लो भाई, तो भाई ने आपको बता दिया है कि 1.5 लाख से 1 करोड़ तक की आपके पास में सारी गाड़ियां भाई के पास अवेलेबल होंगी। तो भाई ऐसा मतलब नहीं है कि अगर आपको 80,000 वाली गाड़ी भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल करा देंगे? करा देंगे समर भैया, बिल्कुल करा देंगे। तो हमारे लिए कस्टमर सारे एक बराबर हैं कि कोई 1 करोड़ वाली आया चाहे वो हमारे पास 80 लाख वाली आया, 80,000 वाली लेने आया, कस्टमर सारे के सारे अवेलेबल हैं। तो आपको गाड़ियां दिखाते हैं अपने पास में। आज जितना भी स्टॉक खड़ा हुआ, काफ़ी अच्छा स्टॉक रखा हुआ है भैया ने, और रेट्स जो हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं। जो मार्केट में, इस बात को बोल सकते हैं कि मार्केट में ये रेट्स नहीं मिलेंगे समर भैया? भैया मार्केट में आपको क्या पता इस रेट कम भी मिल जाए, पर अच्छा, ऐसी गाड़ी नहीं मिलेगी क्योंकि हम बताते हैं कि ये पीस पेंट होता है कि नहीं, हमारी सारी गाड़ी ऑल ओरिजिनल होती है। भाई देखो, अब अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट करोगे कि मैं वीडियो में बताऊंगा कि इस गाड़ी का क्या क्या पीस पेंट है, तो भाई वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। हमारे पास में जो गाड़ी अगर अनपेंट आई है, अनटच्ड है, तो मैं आपको उसको अनटच भी बताएंगे। अगर उसको कोई पीस पेंट है तो हम आपको बता के भेजेंगे। हम ये चीज़ नहीं करेंगे कि भाई, क्योंकि कस्टमर्स जो आते हैं ना, मैं ये कहूँगा कि 60% कस्टमर्स को आज की डेट में पता नहीं लगता है कि कौन सा पीस पेंट है और कौन सा नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा समर भाई? बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हम उनको भी बता के देंगे कि भाई आपका ये वाला पीस पेंट है। हमें पैसों से मतलब नहीं है, हमें आगे रिलेशंस बनाने हैं कस्टमर्स के साथ में। रिलेशंस इन द सेंस कि अगर वो अपनी नेक्स्ट कार प्लान कर रहे हैं तो वो हमारे साथ ही प्लान करें, बजाय कि नई गाड़ी लेने के। तो आओ भाई, मैं आपको पूरी पूरी गाड़ियां दिखाता हूं, कौन कौन सी और कैसी कैसी हैं हमारे पास में आज स्टॉक में। तो भाई हमारे समर भी हमारे साथ हैं। तो समर भैया, थोड़ा सा पहले शोरूम के बारे में इंट्रोड्यूस करो। भाई शोरूम हमारा मधुबन चौक पे है, अंडरपास के ऊपर, यहाँ पे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है पीतमपुरा। तो भाई ये पीतमपुरा वाला मेट्रो स्टेशन है, आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ से और कैसे आना। और अगर कोई भाई हैदरपुर या बाईपास की तरफ से आ रहा है तो ये वाली रोड है वो, जहाँ से वो आ सकते हैं। मधुबन चौक का अंडरपास है, ठीक है भाई। तो भाई गाड़ी कौन सी से शुरू करने वाले हम लोग? पोलो 2011 मॉडल, ठीक है भाई। तो इसके थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताओ। ये टॉप मॉडल है, टॉप से नीचे है क्या है? भैया ये हाईलाइन वाला मॉडल है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ठीक है। 62,000 चली हुई है, ठीक है, विद कंप्लीट, ठीक है। और डीजल है पेट्रोल है? डीजल। और भैया क्या डिमांड है इसकी? इसकी डिमांड 1 नंबर की डिमांड, ठीक है। थोड़ा नेगोशिएशन हो जाएगा ऑन टेबल? भाई बिल्कुल हो जाएगा नेगोशिएशन थोड़ा ऑन टेबल। तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी गाड़ी की ओर। तो समर भैया, और दूसरी गाड़ी किसकी तरफ लेकर के चलोगे? देखो भाई, गाड़ियां तो अपने पास में काफ़ी हैं। ये भाई ऑन सेल नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ, कहीं सोच रहे हो ये ऑन सेल है। गाड़ियां तो अपने पास काफ़ी हैं, तो लेकिन अब अगर मैं सारी गाड़ियों के बारे में बताऊंगा, मैं आपको कुछ एक स्पेसिफिक, जैसा हमने बताया कि हमारे पास में 1.5 लाख रुपये से गाड़ियाँ शोरूम में खड़ी हैं, तो भाई इसलिए आपको सबसे सस्ती गाड़ी पहले दिखा दी। अब भाई उसके बाद में ये स्विफ्ट की तरफ चलते हैं। ये नहीं कहूंगा गाड़ी की कंडीशन बेस्ट है, भाई प्री ओन्ड कार है तो, लेकिन अगर प्री ओन्ड कार के हिसाब से भी देखा जाए तो गाड़ी की कंडीशन काफी अच्छी है। तो अब चलते हैं भाई से पूछते हैं, भाई इसकी क्या डिमांड है? डिमांड मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले हमारे पास अगर कोई स्विफ्ट का कस्टमर आता है तो उसको चार तरीके की स्विफ्ट दिखाएं। ओके, स्विफ्ट भाई एक ये भी खड़ी है यहाँ पे स्विफ्ट, तो इस स्विफ्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करो। यहाँ स्विफ्ट के पास आओ, अपनी गाड़ी के पास आओ। इसमें थोड़ा सा बस शेप का फर्क है, इसमें ये 2013 मॉडल है, ओके, 2015 मॉडल। तो ये तो हम शेप भी चेंज करा के दे सकते हैं अगर किसी को चाहिए तो। वो अगर कस्टमर पे डिपेंड करता है, अगर वो कहता है हमें न्यू शेप की चाहिए तो हम उसको न्यू शेप देंगे। नहीं, अगर जैसे उसका बजट 13 वाला है लेकिन उसको शेप न्यू चाहिए तो हम उसको शेप चेंज करा के जो उसके एक्स्ट्रा कॉस्टिंग चार्जेस वगैरह होंगे वो भी करवा देंगे। तो भाई ये भी देख सकते हो आप, अगर आपका ये 13 मॉडल के बाद में जो ये 16 मॉडल है, ये 16 मॉडल है, ये 15 मॉडल है,
तो ये भी इसकी भी शेप चेंज है, मतलब क्योंकि 16 में आई है ये वाली शेप, ये 15 में आ गई थी। अच्छा 15 में आ गई थी, तो भाई ये मैं गलत हो सकता हूँ भाई। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्या फर्क है। ये DRL जो सी अपनी होती है ना, L शेप, C शेप जो भी कहते हो, ये 13 वाले मॉडल में नहीं आती थी, ये इस वाले मॉडल में आई है भाई। और कौन सी स्विफ्ट खड़ी है अपने पास में? एक स्विफ्ट आगे खड़ी है, उसके पास में हम थोड़ा लेट चलते हैं या अभी चलें, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही आगे खड़ी है वो। चलो चल ही पड़ते हैं। वीडियो भाई मैं अनकट रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रख सकता हूँ। तो भाई ये तीसरी स्विफ्ट है, तो स्विफ्ट वाले जितने भी भाई हैं ना, उनको तो यहाँ से जाने नहीं देंगे हम, कोई ना कोई गाड़ी दे करके ही भेजेंगे। जितनी भी हमारी स्विफ्ट खड़ी है, सबसे सस्ती स्विफ्ट ये है। ओके, प्लस इसका बेनिफिट क्या है कि HR नंबर। ओके, तो भैया इसमें बेनिफिट मतलब थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताओ, ये HR51 मतलब फरीदाबाद नंबर गाड़ी है भैया। अगर आप दिल्ली नंबर लोगे तो 10 साल चलेगी। अच्छा डीजल है? हाँ जी ये डीजल है। ओके, और अगर आप हरियाणा नंबर लेते हो तो 15 साल चलेगी। प्लस अगर आपने हरियाणा में इस गाड़ी के मॉडल के बारे में बताओ थोड़ा सा। ये है 14 मॉडल, ठीक है। इसमें टायर नए डले हुए हैं, ठीक है। अभी ब्रांड न्यू टायर डले हैं, ठीक है। ये सबसे कम चली हुई गाड़ी है अपनी भाई, ब्रांड न्यू टायर, सच में ब्रांड न्यू डले हुए हैं। आप लोग देख सकते हो टायर की कंडीशन, पता लग रही होगी कि ये ब्रांड न्यू टायर है या नहीं। और भैया ये चली हुई है 33,000 विद कंप्लीट। बहुत ही बढ़िया भाई, डीजल गाड़ी तो, और स्विफ्ट मैं ये कहूँगा 1,25,000 तक तो मुंह भी नहीं खोलती मेरे ख्याल से। कुछ भी नहीं, इसके अगर आप साउंड भी सुनोगे, आप नई स्विफ्ट स्टार्ट कर लो और ये कर लो, साउंड बिल्कुल सेम। तो भाई अब लगा लो, क्या डिमांड क्या है भैया? इसकी डिमांड है बिल्कुल जेन्युइन प्राइस बोलूंगा 3-15 की हम डिमांड करते हैं। तो ऑन टेबल नेगोशिएशन है तो भाई अब इतना तो चलता है। बाकी आगे आपके पास में अब मैं थोड़ा सा एक लग्जरी वाला सेगमेंट लेकर के आता हूँ कि क्या है। उससे पहले ब्रेजा खड़ी है हमारे पास में दो, एक ये ब्रेजा खड़ी है, एक वो ब्रेजा खड़ी है। तो समर भैया इस ब्रेजा के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करो। ये भैया 2019 मॉडल है। ओके, 22,000 चली हुई है विद कंपनी रिकॉर्ड। ओके, प्लस इसमें आपके टायर ब्रांड न्यू है अभी भी। ओके, और इसकी डिमांड हम कर रहे हैं 8,00,000। ओके, तो भाई ये ब्रेजा 19 मॉडल है, और ये वाली भी मेरे ख्याल से समर भैया 19 मॉडल ही है। ये भी 19 मॉडल है, ये चल रही हुई है 10,500। अब 20 में तो जितनी ब्रीजा आ रही है वो पेट्रोल आ रही है ना। और इसमें भैया आपकी फ्रंट ग्रिल मॉडिफाइड है, इवन कि आपके टायर 2019 मॉडल है, बट इसमें टायर अभी हमने फ्रेश डलवाया। भाई अगर आपको कुछ भी चाहिए ना मॉडिफिकेशन, तो समर भैया को भी पता और आप लोग सबको पता कि हम मॉडिफिकेशन किस लेवल पे कर सकते हैं गाड़ी की, वो ग्राउंड पाउडर से देख सकते हैं। हाँ, आपको अब हम गाड़ियां दिखा रहे हैं कि आप हमारे पास से गाड़ी परचेज भी कर सकते हो। और ये भी इसका बेनिफिट क्या है, ये भी HR नंबर, ये भी HR 29 नंबर है, ये वो HR 51 नंबर थी 51। दूसरी ब्रीजा आपने 19 मॉडल देखी है, हाँ, वो दिल्ली नंबर है। अच्छा वो दिल्ली नंबर है। तो भाई यहाँ पे भी ये गाड़ी भी बहुत बढ़िया है, इसका भी इसकी डिमांड क्या है भैया? इसकी 8,25,000 डिमांड, इसकी 8,25,000 है, उसकी 8,50,000 थी, उसकी 8,00,000, उसकी 8,00,000 है। ये कितनी चली हुई है भैया? ये चली हुई 10,500, वो चली हुई है 22,000। ओके, तो नेगोशिएशन ऑन टेबल है। हाँ जी भैया। तो भाई अब मैं आपको थोड़ा सा लग्जरी की तरफ लेकर के चलता हूँ, अंदर भी हमारे पास में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो थोड़ा सा दो गाड़ियां दिखाऊंगा और, क्योंकि अगर सारी गाड़ियां दिखाने बैठूंगा ना तो भाई रात हो जाएगी और वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब शोरूम की हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, अभी भाई का एक न्यू शोरूम भी तैयार हो रहा है, उसकी वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट शोरूम के अंदर दिखाता हूँ। अभी मैं आपको जो हमारे पास में लग्जरी सेगमेंट की वैसे तो काफ़ी गाड़ियां खड़ी हैं, बट अभी दो गाड़ियां स्पेशली उनके बारे में बताता हूँ। तो अंदर चलते हैं और आपको मैं बताता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि अब लग्जरी गाड़ी की तरफ चलेंगे, तो इस गाड़ी का नंबर भी भाई VIP है, तो समर भी आप बताएंगे इस गाड़ी के बारे में थोड़ा सा। ये 2014 मॉडल है, सेकंड ओनर गाड़ी है, 3002 नंबर, VIP नंबर है इसका, ठीक है। मेरे ख्याल से चलिए 50,000 चली हुई, 46,000 चली हुई ये गाड़ी, ठीक है। और ऑल ओरिजिनल गाड़ी विद कंपनी, ठीक है। तो भाई इसको थोड़ा सा मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। ये A6 है भैया, A6 प्रीमियम है। इस गाड़ी को मैं आपको थोड़ा सा अंदर से भी दिखा देता हूँ। इस वीडियो की जो इंट्रोडक्शन और बाकी सारी चीज़ों की शुरुआत हुई थी वो इसी गाड़ी के अंदर से हुई थी। डीजल में आई ये गाड़ी और ये 15 साल चलने वाली गाड़ी है। हाँ जी भैया, HR नंबर है और टॉप मॉडल हाई लाइन वाला मॉडल है ये। हाँ, मेरे ख्याल से प्रीमियम लाइन वाला मॉडल है भाई। तो भाई इसके अंदर अब मैं भैया से पूछ लेता हूँ इसकी डिमांड क्या रहेगी और कितनी रहेगी। समर भैया इसकी डिमांड बताओ कितनी रहेगी? 16.5 लाख रुपये ऑन टेबल नेगोशिएशन। हाँ जी भैया। तो भाई हमारे पास में जितनी गाड़ियाँ हैं सारी गाड़ियों का ऑन टेबल नेगोशिएशन है। तो अब एक बार में चलते हैं हम
ये मैं देख पा रहा हूँ BMW X1 खड़ी है, X1 है ये। हाँ जी भैया, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करो। 2017 मॉडल है, 54,000 चली हुई, फर्स्ट ओनर। ठीक है, DL1NA नंबर है इसका। नंबर दोबारा रिपीट करोगे? नंबर दोबारा रिपीट करोगे? DL1NA, ये सेमी कमर्शियल नंबर है। ठीक है, मतलब हम इस गाड़ी को कमर्शियली यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो भाई आप लोगों को नंबर भी, आप अगर कहीं हमारे होटल्स या रिजॉर्ट के अंदर गाड़ी कमर्शियली यूज के लिए होती है तो उनको कमर्शियली नंबर प्लेट्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है और बाकी सारे झंझट होते हैं। नंबर चेंज भी करवा के दे सकते हैं अगर आपको चंडीगढ़ का। लो भाई चलो, तो भाई इस गाड़ी के बारे में, मॉडल ये अपना नहीं प्रीमियम में है, कौन सा है ये? विदाउट सनरूफ वाला मॉडल है ये इस गाड़ी का। तो इसकी क्या डिमांड रखी है अभी आपने? इसी नंबर पे अगर आप देखें तो 21 लाख रुपए डिमांड है, अगर नंबर चेंज करवाते हैं तो इसकी डिमांड है 25.5 लाख। तो भाई आप लोगों के सामने है, अब वैसे तो गाड़ियां काफ़ी खड़ी हैं जैसा मैंने आपको बताया, तो मैं हर एक गाड़ी के बारे में आपको ब्रीफली नहीं बताऊंगा। अब एक बार चलते हैं और समर भैया से बात करते हैं, एड्रेस वगैरह पूछते हैं। भाई होप करता हूँ आपको सारी की सारी गाड़ियाँ पसंद आई होंगी। अब गाड़ियों में बैठे हैं तो भाई मास्क लगा के बैठना पड़ेगा, हमारी दिल्ली में मुँह दिखाई 2000 रुपये हो गई है, सबको पता होगा। तो समर भैया आप एक बार ये बता दो कि गाड़ियों का, अगर किसी ने गाड़ी लेने आना तो किस तरफ आना और कैसे आना? भैया जैसे कि आपको लोकेशन मैंने बता दी है, जैसे कोई भी मेरे पास कस्टमर आता है और अगर वो मेरे को सातवें भाई का रेफरेंस देगा कि हम ये वीडियो देख के आए हैं तो उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। लो भाई ये भी है, नेगोशिएशन ऑन टेबल है ही, और अगर आप मेरा नाम लोगे तो भाई आपको, मेरा नाम नहीं भी लोगे, आप हाई एंड गाड़ियां चैनल के थ्रू आए हो, हाँ जी, तो भी भाई आपको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। डिस्काउंट के साथ साथ आपको, अगर आप मेरे से मारुति की गाड़ी लेते हो, कोई भी कंपनी की गाड़ी लेते हो, आप उस कंपनी में सर्विस कराने जाओगे उस कंपनी की गाड़ी की, तो मैं आपको 20% लेबर डिस्काउंट दूंगा। तो ये डिस्काउंट सिर्फ हमारी हाई एंड फैमिली के लिए है या सबके लिए? हाई एंड फैमिलीज के लिए। तो भाई हमारी हाई एंड फैमिली के लिए है ये सारा का सारा डिस्काउंट, जो भी रहेगा जैसे भी रहेगा। तो समर भैया एक बार एड्रेस दोबारा से आप बता दो। भैया एड्रेस है ये, अगर आप बाय मेट्रो आते हैं तो आपको मेट्रो स्टेशन पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन पे उतरना पड़ेगा, अगर आप हैदरपुर की साइड से आ रहे हैं तो आपको मधुबन चौक पे, मधुबन चौक से पहले ही हमारी शॉप दिख जाएगी कार फर्स्ट के नाम से। भाई कार फर्स्ट के नाम से अपनी शॉप है, थंबनेल में आपको फोटो दिख गई होगी कार फर्स्ट के शोरूम की, और भाई का नया शोरूम भी खुल रहा है। हमारा नया शोरूम खुल रहा है BDS मोटर के नाम से, वो जल्दी हम ओपन कर रहे हैं, जल्दी ओपन कर रहे हैं, और ओपनिंग के टाइम पे भी आपको उसकी भी वीडियो देखने को मिलेगी सारी की सारी की, क्या है कैसे है। तो समर भैया इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, हाँ जी भैया, और आपको नेक्स्ट टॉक भाई दिखाऊंगा। अगर आपको मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, ये हमने फर्स्ट टाइम कुछ नया ट्राई किया समर भाई के साथ में, दोस्ती तो हमारी काफ़ी पुरानी है, बट एक वीडियो ऐसी हमने इस बार बनाने की सोची, भाई कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और भाई जो जो सात्विक भाई की वीडियोस देखते हैं यार, लाइक और कमेंट जरूर करा करो और चैनल को भी सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि भाई ने जितना अपनी गाड़ी पे पैसा इन्वेस्ट कराना है इतना आज तक हमने अपनी गाड़ियों पे नहीं लगाया होगा। तो भाई आप लोगों के सामने है, ये तो सब भाइयों का प्यार है भाई, जो भी है पैसा वैसा तो चलो जो भी है, मैं भाई बेसिकली वीडियोज इसलिए बनाता हूँ आप लोगों के लिए कि भाई जो गलतियाँ मैंने करी है ना, मैं भाई मॉडिफिकेशन लगा लो लाइक 3-4 साल से कर रहा हूँ गाड़ियों के अंदर, लेकिन जो गलतियाँ मैंने करी है ना, मैं ये नहीं चाहता कि वो मेरे बाकी के भाई लोग करें। भाई मैं यही कहता हूँ कि चीज़ लेते हो अच्छी लो, एक बार लो। स्क्रीन पर नंबर समर भैया का आ रहा है, फ़ोन करो, जितने फ़ोन कर सकते हो करो, फ़ोन करके आप लोग पूछ सकते हो गाड़ियों के बारे में सारी की सारी बातें। इस वीडियो को एंड करते हैं, चलिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।